फर्स्ट मई को मैं देवेंद्र जी से मिलने गया सत्य और मैं, और उन्होंने हमें बताया कि जल युक्त शिवार के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी, क्या क्या सरकार कर रही है इस प्रोग्राम को लेकर और कितना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है ये और क्या विचार है इस सरकार की जो ये चीज को आगे ले जाना चाहती है और महाराष्ट्र का पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती है। वो सुन के हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिला और हमको लगा कि हमें जरूर इस कदम में, हम इस पाथ में हमको आगे बढ़ना है। उसके बाद हमारी कई मीटिंग्स हुई, प्रभाकर जी से, प्रवीण जी से, उनकी पूरी टीम आई, हम लोग साथ बैठे, बहुत सारे सेशंस हुए। हम कम्युनिकेटर्स हैं, हमको इस विषय के बारे में समझना है इससे पहले कि हम कोई भी कदम आगे लें। तो पिछले फर्स्ट मई से लेकर अब तक ऑलमोस्ट अभी 8-10 महीने हो गए और हम लोग इस पे इतने महीनों से काम कर रहे हैं। हमारा क्या योगदान हो सकता है इसमें? हमें ये लगता है कि जैसे देवेंद्र जी ने मेरी फर्स्ट मीटिंग में मुझे कहा कि जब तक ये गवर्नमेंट स्कीम रहेगी तो कामयाब होगी, लेकिन जब तक ये सिविल सोसाइटी मूवमेंट नहीं बन जाती तब तक इसका फुल इंपैक्ट हम नहीं देख पाएंगे। और देवेंद्र जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इसमें जुड़े और आप इसको एक सिविल मूवमेंट बनाए, सिविल सोसाइटी को इसके साथ जुड़ना है, और वही कोशिश हमने की है। उसके बाद मैंने, मेरे जो दोस्त हैं, रतन टाटा जी हैं, मुकेश भाई हैं, कुमार बिरला हैं, यहां सब मौजूद हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, उन सबको मैंने घर पे बुलाया और हमने जो प्लान बनाया था हमने उनके साथ शेयर किया। भूपेंद्र पवार जी आए हमारे साथ, डॉक्टर पोल हैं, तो हम सब मिलकर हमने एक टीम बनाई जो जिसको हम बोलते हैं हमारी एडवाइजरी बोर्ड, जो इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हम निर्णय लेते हैं कि किस तरह हमें आगे बढ़ना है। हमें हर गांव को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, वाटर हार्वेस्टिंग करना है, ये एक प्रूवन साइंस है, जहां जहां ये इसका इस्तेमाल किया गया है ये काम करता है। इसको स्केल अप कैसे करना है, अभी कुछ गांव में हो रहा है इसको, महाराष्ट्र में 46,000 विलेजेस हैं, अगर छोटे, बहुत छोटे जो गांव है उनको अगर गिने तो करीब 80,000 के अराउंड 80,000 विलेजेस, वेरी स्मॉल वंस। तो ये पूरे महाराष्ट्र में किस तरह फैलेगा, और हमारी उम्मीद है कि ये एक ही तरह फैल सकता है, जबकि हर महाराष्ट्र का रहने वाला इसमें आगे आए और अपना योगदान दे। और अगर हम ऐसा करें तो ये यकीनन सॉल्व हो सकता है। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट, ये वक्त आ चुका है हमें इस पाथ पे आगे बढ़ने के लिए। इसके लिए जो हमने पहला कदम चुना है वो एक वाटर कप है, जिसको हम कहते हैं कि सत्यमेव जयते वाटर कप, हमने इसको नाम दिया है सत्य, उसके बारे में आपको और बताएंगे। थोडक्यात सांगतो, जी गाव जलसंधारणाची सर्वात चांगली काम करतील कॉम्पिटिशनच्या कालावधीत त्यांना बक्षीस दिली जातील। त्याचे रूल्स काही दिवसात आम्ही प्रकाशित करू की जेणेकरून सर्व गावांना समान संधी मिळेल, आणि त्यात विशेष श्रमदानाला आम्ही महत्व दिलेलं आहे। तर जी जे गाव पहिलं बक्षीस आहे 50 लाख, दुसरं बक्षीस आहे 30 लाख, आणि तिसरं बक्षीस आहे 20 लाख। सध्या ही स्पर्धा पायलट स्केलवरती होतीये फक्त 3 जिल्ह्यात, त्या 3 जिल्ह्यातही प्रत्येकी 1 तालुक्यात, म्हणजे साधारणपणे 350 गाव यापासून सुरुवात होते। त्याचं कारण असं आहे की आम्ही नवे आहोत या क्षेत्रामध्ये, आणि असं मोठं काम करताना छोटी पावलं घेऊनच ते वाढवता येईल आपल्याला। त्यात फॉर्च्युनेटली आम्हाला वॉटर सारखे नॉलेज पार्टनर मिळालेले आहेत। वी आर अनाउन्सिंग द स्टडी एंड वी बी रायटिंग टू इन दीज 3 तालुकास, वी बी रायटिंग टू ईच विलेज टू कम एंड पार्टिसिपेट। देयर आर 2 कंडिशन्स फॉर विलेज टू पार्टिसिपेट। वन, द ग्राम सभा देमसेल्फ हैज टू decide that they want to be a part. The people have to decide ki haan, humko isme hissa lena hai. And they have to select, each village has to select 5 people who they send to us for training. So each village will send us 5 people who we will train. So we have a training mechanism in place. And the last date for application is decided as 7th of March. The training will begin on 15th of March to 15th of April. And the competition begins on 15th of April till the 1st of June. Post the 1st of June, our judges will go around these villages to decide, what the results are. And after that, we will have a presentation ceremony where we will announce the next leg, how we are going further with the next leg. That is the plan at this point of time, but a detailed note would be given to you. How will you give these awards? Will you select only your party now, or you will take all the villages in competition? So any village which wants to take part is most welcome. The first, I'm just clarifying. In the first pilot, we are only inviting from 3 talukas, because right now our capability to train these 5 people from each village is limited because we are just starting. So we are starting with 3 talukas. We have here a team from water,
which are the experts, they are our knowledge partners in this effort. And we right now are, we feel we're equipped for 3 talukas and also in providing expert advice to these villages in these 3 talukas. So right now in these 3 talukas, anyone from these 3 talukas, any village is most welcome. As we go ahead, one day we want to see every village of Maharashtra, every village of Maharashtra taking part in this contest. And not only village, every town and finally every city of Maharashtra should be taking part in this contest. Hey, aaj jari ha initiative announced hot asla, tari javajav 3-4 bhagamadhya, mhanje Vidarbha madhe, Marathwada madhe, Paschim Maharashtra madhe, anek gavan madhe jao, tya tikade Satyane swatah research kela, tya tikadcha success stories baghitlya. त्यासोबत मग पोपटराव पवार असतील, डॉक्टर पोळ असतील, यांच्याशी पूर्णपणे चर्चा करून आणि मग ही सगळी त्यांनी सगळं या संदर्भातली आयडिया तयार केली आणि हे यशस्वी होणारच. म्हणजे त्यांच्या मनात थोडी बहुत शंका होती की हे सगळं आम्ही करू शकू की नाही, पण मी त्यांना सांगितलंय की हे यशस्वी होणारच. अशा प्रकारचा कुठलाही इनिशिएटिव्ह हा इतिहासच तयार करतो, तो करेलच. तुम्ही काळजी करू नका, कारण आपण जनतेकरता काम करतोय. पिछले साल जब आमिर ने मुझे बताया कि सिर्फ हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे, हम सिर्फ एपिसोड से नहीं बना रहे, हमने एक पानी का मुद्दा उठाया है और हम कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र को हम ब्रॉड फ्री बना सके. तो जब आमिर ने मुझे बताया और मैंने कहा आमिर ने ठान लिया है तो आमिर छोड़ेगा नहीं, ये करके ही रहेंगे. और फिर पता लगा कि वो देवेंद्र जी से बात हुई है और इन्होंने कहा है कि वो उन्होंने गाइड किया और पूरा सपोर्ट करेंगे. तो मैं नागपुर से हूँ, देवेंद्र जी भी नागपुर से, मुझे भी पता है कि नागपुर वाले भी जब ठान लेते हैं तो छोड़ते नहीं. तो मुझे नहीं लगता वो दूर है, जब महाराष्ट्र में शायद बाढ़ आ जाए. सो आई विश ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी हु इज सपोर्टिंग दिस कॉज.